Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to another exciting video. So guys, आज की वीडियो में ना मैं कई सारे प्रोडक्ट ट्राई करने वाली हूँ जो कि मैंने आज से पहले कभी ट्राई नहीं करे. एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना फर्स्ट इम्प्रेशन उन प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के बाद. सो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए. तो आप भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा. चाहे मैं पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना. उसके साइड में जो बेल आइकन होगा उसको भी ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि आपसे ऐसी वीडियो मिस ना हो एंड आप ये वीडियो सबसे पहले देख पाए. सो अब अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट. सो सबसे पहले मैं अपना करूँगी स्किन केयर अच्छे से. और वैसे भी आजकल मुझे काफ़ी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है. सो जब भी वेदर चेंज होता है मेरे साथ ऐसा ही होता है, ब्रेकआउट्स काफ़ी होते हैं. और आप लोगों के साथ होता है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है. तो उसके लिए मैं कुछ प्रोडक्ट्स पर स्विच कर देती हूँ एंड वो प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करते हैं. तो सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करूंगी और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ द डर्माकोका 1% सैलिसिलिक एसिड जेल डेली फेस वॉश. सो ये फेस वॉश मैं यूज करती हूँ अपने फेस को क्लीन करने के लिए डेली बेसिस के लिए. ये फेस वॉश आपके एक्ने को कंट्रोल करता है एंड आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, ठीक है. मॉइस्चराइज रखता है आपके फेस को, तो मुझे काफी पसंद है. एंड जब भी मुझे एक्ने की प्रॉब्लम होती है तो मैं इस फेस वॉश में स्विच कर देती हूँ. बहुत अच्छे से एक्ने को कंट्रोल करता है एंड मेरे एक्ने ठीक हो जाते हैं. सो अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप ये वाला फेस वॉश ट्राई कर सकते हो. आपको एक पंप लेना है और अच्छे से मसाज करते हुए अपने फेस पे लगाना है. थोड़ी देर मसाज करने के बाद उसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है. आप इसको डे एंड नाइट दोनों पे यूज कर सकते हो. सो फर्स्ट मैं यूज करती हूँ ये फेस वॉश एंड आप देख सकते हो मेरा फेस कितने अच्छे से क्लीन हो गया है. एंड जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट यूज करते हो हमेशा से पैच टेस्ट जरूर से ले. नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ सिरम एंड इस सिरम ने बहुत ही अच्छे से वर्क करा है. इसने मेरे एक्ने को बहुत जल्दी रिड्यूस कर दिया था. इतने अच्छे से वर्क करा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. सो ये सीरम है द डर्माकोका 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम. इसमें आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है, विच हेजल मिल जाता है, विलो बार्क मिल जाता है. सो ये इंग्रेडिएंट आपके एक्ने को रिड्यूस करते हैं. ये सीरम आपके पोर्स, एक्ने ब्रेकआउट्स एंड ब्लैकहेड्स पे वर्क करता है. मुझे क्लियर विजिबल रिजल्ट दिखे हैं तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार इस सीरम को ट्राई करो अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो. एंड ये सीरम आपके पोर्स को भी क्लॉक होने से बचाता है जिसकी वजह से आपकी स्किन क्लियर बनेगी एंड हेल्दी बनेगी. सो इस सीरम की आपको 2 से 3 ड्रॉप लेनी है एंड अच्छे से अपने पूरे फेस पे और नेक पे लगाना है. थोड़ी सी मसाज करनी है, काफी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है. सो ये सीरम काफी अच्छे से वर्क करता है एंड इसने मुझे काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो. तो जब भी आप कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट अपने फेस पे लगाते हो तो उसके बाद एक अच्छा सनस्क्रीन जरूर से आप अप्लाई करें. और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेरी फेवरेट द डर्माकोकी 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल. इसमें आपको हाइलुरोनिक एसिड मिल जाता है, विटामिन ई मिल जाता है जो कि फाइट करते हैं सन डैमेज से एंड आपके रिंकल्स फाइन लाइंस को रिड्यूस करते हैं और आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं. सो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है सनस्क्रीन. सो यहाँ पे मैं इतना प्रोडक्ट लेके को अच्छे से लगाऊंगी अपने पूरे फेस पे एंड ये आपको बहुत अच्छा ग्लो देती है एंड आपकी स्किन को हाइड्रेट रखती है. सो मुझे काफ़ी पसंद है. आपको नेक पे भी अच्छे से लगाना है सनस्क्रीन. सो अगर आप लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप यूज़ कर सकते हो ये प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं आपके एक्ने पे एंड आपके एक्ने को काफ़ी जल्दी रिड्यूस करते हैं. सो आप लोग ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो. मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी ये प्रोडक्ट्स अगर आपको एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है तो. एंड इन प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप लोग जरूर से चेकआउट करिएगा. और आप मेरा कोड यूज कर सकते हो जो कि है BABO2022 जिसपे आपको 20% ऑफ मिलेगा द डर्माकोकी ऑफिशियल वेबसाइट पे. और आप इन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो Amazon, Nykaa, Flipkart, द डर्माकोकी ऑफिशियल वेबसाइट से. सो मैंने अपना स्किन केयर जो है कर लिया है अच्छे से. तो अब स्टार्ट करते हैं अपना इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन देना इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है. तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी प्राइमर एंड प्राइमर के लिए मेरे पास है ये प्ल्यूम का सिल्क ब्लर मॉइस्चराइजिंग प्राइमर. इसमें आपको हाइलुरोनिक एसिड मिल जाता है एंड एवोकाडो एक्सट्रैक्ट मिल जाते हैं. सो इस प्राइमर के बारे में मैंने काफ़ी सुना है. ये 2-in-1 है, ये आपका प्राइमर की तरह भी वर्क करेगा एंड मॉइस्चराइजर की तरह भी वर्क करेगा. सो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक इसे ट्राई नहीं करा है, ठीक है. तो ये कुछ इस तरीके की आउट ऑफ पैकेजिंग के साथ आता है. तो ये है इसकी इनर पैकेजिंग. आप देख सकते हो काफ़ी क्यूट पैकेजिंग है, पिंक एंड वाइट कलर की इसकी पैकेजिंग है. लेट्स सी कैसा वर्क करता है फेस पे, ठीक है. सो
ये प्राइमर ने मुझे काफ़ी अच्छे से हाइड्रेशन दी है, प्लस इसने मेरे पोर्स को भी काफ़ी अच्छे से फिल कर दिया है, ठीक है। एंड मैं जब दूर से देख रही हूँ तो बिल्कुल ब्लर इफेक्ट लग रहा है, जैसे ब्लर वाला फिल्टर नहीं होता उस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। सो ये प्राइमर ना काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, आपके फेस को हाइड्रेशन देता है, ठीक है, एंड मैटिफाइंग लुक देता है साथ ही साथ, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है, क्योंकि ये आपको मैटिफाइंग लुक भी दे रहा है प्लस हाइड्रेशन भी दे रहा है, एंड ये आपके पोर्स को भी अच्छे से ब्लर करता है। सो या तो आप इसको ले सकते हो। सो इस प्राइमर को मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होने देते हैं, तब तक हम अपना करते हैं आई मेकअप। एंड उसके लिए मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पहले तो मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी अपने आईलेट्स पे। मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ ये मैट लुक का कंसीलर स्टिक, ठीक है, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ आता है, मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं करा है तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। एंड इसकी प्राइस है 149 रुपीज़, 150 का आपको ये मिल जाता है। इसमें मेरा शेड है 01 नेचुरल बेज, लेट्स सी कैसा वर्क करता है। मैंने इनका कंसीलर लिक्विड कंसीलर ट्राई करा है, ये स्टिक वाला कंसीलर है, लिक्विड कंसीलर बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड फुल कवरेज देता है, लेट्स सी ये कैसे वर्क करता है। सो इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, लाइक मैट फिनिश है नीचे वाली, इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो ये कुछ इस तरीके की ना पैकेजिंग के साथ आता है। सो काफी इजीली ग्लाइड हो रही है ये कंसीलर स्टिक। ये कंसीलर स्टिक आपको मीडियम कवरेज देती है, इतनी अच्छी कवरेज नहीं देती है, ये कंसीलर स्टिक बहुत ही आपको मीडियम कवरेज देती है। सो कंसीलर मैंने लगा लिया अपने आईलेट पे, ये कंसीलर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। इसके बाद मैं अपने कंसीलर को सेट करूँगी एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैट लुक का ही बनाना लग्जूरियस लूज पाउडर, ठीक है, ट्रांसलूसेंट पाउडर है ये। मुझे ट्रांसलूसेंट पाउडर बहुत पसंद है अपने कंसीलर या बेस को सेट करने के लिए, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो आज मैं ये न्यू लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ, मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है इसे, इनका कंसीलर तो मुझे अच्छा नहीं लगा, देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। सो ये कुछ इस तरीके की आउटर पैकेजिंग के साथ आता है, काफ़ी यूनिक सी पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे इनकी पैकेजिंग। एंड ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी एंड इसकी इनर पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो काफ़ी मस्त पैकेजिंग लग रही है। इसमें मेरा शेड है 01 फेयर, इसमें आपको 12 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके, सो इसके साथ आपको कुछ इस तरीके का पफ मिल जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पफ है ये। सो ये पफ आपको इसके साथ मिल जाता है एंड अभी तक मैंने इसे ओपन नहीं करा है। एक्स्ट्रा रिमूव कर देती हूँ। सो ये लूज पाउडर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, आप डिफरेंस देख सकते हो, इसने कितनी अच्छी कवरेज दी है इस वाली आई पे, एंड आप देख सकते हो विदाउट लूज पाउडर एंड विद लूज पाउडर इसने बहुत अच्छे से सेट करा है, लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। नेक्स्ट आई मेकअप के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन का प्रो न्यू न्यूट्रल लक्स आई शेडो पैलेट। ये पैलेट मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा है। सबसे पहले मैं ये वाला शेड जो है लेके अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज पे। धीरे धीरे कलर को बिल्ड करूंगी, काफी पिगमेंटेड है ये पैलेट। इसके बाद मैं एक स्मॉल ब्रश ले रही हूँ, इससे थोड़ा सा डार्क शेड लूंगी, ठीक है, ये वाला, इसको अपना आउटर वी पे लगाऊंगी और क्रीज पे ले जाऊंगी। इसके बाद मैं सेम ही क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी, उसकी मदद से ब्लेंड करूंगी इसके एजेस को ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए एंड हार्श लाइन ना दिखे। बाद में ये गोल्डन ग्लिटर शेड लेके अप्लाई करूंगी, इस ग्लिटर का नाम है गोल्डन, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं फ्लफी ब्रश यूज कर रही हूँ, देखते हैं। ओके, काफी पिगमेंटेड है ये वाला, वाह, अब देख सकते हो कितना पिगमेंटेड है ये ग्लिटर, वाह कितना प्यारा लग रहा है। सो
सो ये पैलेट तो मुझे बहुत पसंद आया, इसके कलर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पिगमेंटेड है एंड बहुत अच्छे से वर्क करता है. सो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी आप इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड आप लोगों ने देखा ही कैसा वर्क कर रहा था. इसके ग्लिटर शेड काफ़ी पिगमेंटेड है, इसके मैट शेड काफ़ी पिगमेंटेड है, प्लस इसके शिमर शेड भी काफ़ी पिगमेंटेड है. ठीक है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया है एंड खास बात ये है कि इसमें आपको एक कंसीलर शेड मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है. सो या ये मुझे काफ़ी पसंद आया ये वाला पैलेट एंड आप भी ट्राई कर सकते हो इस पैलेट को, बहुत पसंद आया मुझे. तो हमारा आई मेकअप जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, तो मैंने लैशेस भी लगा ली थी ऑफ कैमरा. अब हम अपना बेस मेकअप करेंगे एंड बेस मेकअप के लिए मेरे पास फाउंडेशन के लिए है यहाँ पे ईबा कॉस्मेटिक का मस्ट हैव वाटरप्रूफ लिक्विड फाउंडेशन एंड इसमें मेरा शेड है प्योर आइवरी. ठीक है, तो ये फाउंडेशन फुल कवरेज देता है, मैट फिनिश देता है, स्वेट प्रूफ है और सूटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की आउटर पैकेजिंग के साथ आता है. ईबा कॉस्मेटिक का भी काफ़ी प्रोडक्ट चर्चा में रहते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी कैसा वर्क करता है ये फाउंडेशन. ठीक है, तो ये है इसकी इनर पैकेजिंग. सो मैं थोड़ा वार्म करूँगी अपने हैंड के बैक साइड में एंड डॉट डॉट करके जो है अप्लाई करूँगी. इसके बाद मैं सेम ही ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसे ब्लेंड करूँगी. सो ये फाउंडेशन आपको फुल कवरेज तो नहीं देता है, बट हम मीडियम कवरेज ये फाउंडेशन आपको दे देगा. ठीक है, एंड अगर आप इसकी सेकेंड लेयर लगाओगे तो आपको शायद ये फुल कवरेज दे देगा. तो अभी आप देख सकते हो इसने मेरे पिंपल को ऐसे हाइड नहीं करा है, तो ये फुल कवरेज तो नहीं देता है ये फाउंडेशन. सो ये कवरेज इसने दी है, आप देख सकते हो मैंने अभी एक ही जो है लेयर लगाई है एंड आप इसकी कवरेज देख सकते हो. ये आपको मीडियम कवरेज देता है एंड इसमें लिखा था ये आपको फुल कवरेज देता है, बट ऐसा नहीं है, ये आपको मीडियम कवरेज देता है ये फाउंडेशन. सो या आप इसकी सेकंड लेयर लगाओगे तो शायद से आपको फुल कवरेज दे दे, बट सिंगल लेयर में तो आपको नहीं देगा ये फुल कवरेज. ठीक है, तो वो या इसको मैंने यहाँ पे इसे ब्लेंड कर लिया है, तो ये हो गया है. इसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी एंड मैं सेम ही स्टिक अप्लाई करूँगी मैट लुक की, क्योंकि मेरे पास अभी और कोई तो कंसीलर नहीं है, तो यही लगा लेते हैं. इसकी कवरेज इतनी अच्छी नहीं है, सो लेट्स सी. इसने मेरे को आईलेट्स पे तो इतनी अच्छी कवरेज नहीं दी थी. सो सेम ही हाल है, कोई इतनी खास कोई कवरेज ये कंसीलर स्टिक देती है नहीं. ठीक है, अभी आप देख ही सकते हो इतना कुछ फर्क पड़ा नहीं है मेरी अंडर आईज पे. अब मैं जो है अपने बेस को सेट करूंगी एंड उसके लिए मैं सेम ही ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ. ये बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है. सो ये मुझे काफ़ी पसंद आया, आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो. ठीक है, शुगर का जैसे ट्रांसलूसेंट पाउडर आता है सेम ही उसी तरीके का फॉर्मूला है, बहुत ही सॉफ्ट है एंड काफ़ी अच्छे से आपके बेस को सेट करता है. तो मैं इसे तो ज़रूर से सजेस्ट करूँगी आप लोगों को, आप इसे ले सकते हो. यहाँ पर मैं पाउडर ब्रश की मदद से अपने जो है फेस को सेट करूँगी. बहुत ही अच्छे से ये सेट करता है आपके फेस को, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये ट्रांसलूसेंट पाउडर. सो मैं अच्छे से सेट करूँगी अपने फेस को, उसके बाद जो भी एक्सेस है उसको डस्ट ऑफ कर दूँगी. इस तरीके से सेट करने से क्या होता है ना, आपका बेस मेकअप वाटरप्रूफ बनता है, स्वेट प्रूफ बनता है. ठीक है, आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा. इसके बाद मैं ले रही हूँ ये पाउडर ब्रश, इसकी मदद से जो भी एक्सेस पाउडर है उसको रिमूव कर दूँगी. ठीक है, कुछ इस तरीके से एंड आप देख सकते हो इसकी फिनिश कितनी अच्छी है, इसने बहुत अच्छे से सेट करा है मेरे बेस को. ये हो गया, मैंने जो भी एक्सेस पाउडर था उसको रिमूव कर दिया है. अब मैं अपने फेस को थोड़ी सी डायमेंशन दूंगी क्योंकि काफ़ी फ्लैट लग रहा है. सो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन का प्रो ग्लैम मूड मीडियम फेस पैलेट. बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, आप देख सकते हो. सो ये पैलेट मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है. इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, प्रिटी पैकेजिंग है. ठीक है, इसमें आपको अच्छा खासा मिरर मिल जाता है, यहाँ पर आपको तीनों शेड्स मिल जाते हैं. ओके, काफ़ी पिगमेंटेड है ये पैलेट. एक्सेस डस्ट ऑफ करके इसको अप्लाई करूंगी. सी कितना पिगमेंटेड है एंड काफ़ी इजीली ब्लेंड भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही ब्लेंड करने में. सी आप देख सकते हो डिफरेंस.
सो ये ब्रॉन्जर काफ़ी पिगमेंटेड है, लाइक बहुत ही पिगमेंटेड है. मैं आपको दिखाती हूँ, सी कितना पिगमेंटेड है इसका हाइलाइटर भी. ओ सी, एंड इसका ब्लश आप देख सकते हो, तीनों की तीनों कितने पिगमेंटेड है. आप देख सकते हो फेस पे भी काफी अच्छे से विजिबल है, एंड कितना प्रिटी शेड है ये, एंड काफी इजीली ब्लेंड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इन इस पैलेट के साथ. सो ब्लश भी हो गया है, आप देख सकते हो कितना प्रिटी लग रहा है मेरा ब्लश एंड ब्रॉन्जर. इसके बाद मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा कलर दूंगी, जो मैंने क्रीज पे लगाया था वो मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी. कुछ इस तरीके से. सी अभी आप देख सकते हो पूरा आई मेकअप सेम लग रहा है, ठीक है. तो लोअर लैश लाइन पे भी कलर हो गया है. अब आगे बढ़ते हैं, एंड अब मैं अपने पूरे फेस को करूँगी सेट, ठीक है. उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मास्क का सील द डील मेकअप फिक्सर. ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, देखते हैं कैसा वर्क करता है. सो ये आपको नेचुरल फिनिश देता है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है आपके मेकअप को. इसकी प्राइस है 299 रुपीज़, मतलब 300 का ये आपको पड़ता है. ये है इसकी आउटर पैकेजिंग, काफ़ी सुना है मैंने इस सेटिंग स्प्रे के बारे में, तो देखते हैं कैसा वर्क करता है. सो ये है इसकी आउटर पैकेजिंग, एंड इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है. काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में मास अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है. पहले शेक करेंगे एंड देन अप्लाई करूँगी. सो ये स्प्रे ना काफ़ी अच्छे से आपके पूरे फेस पे स्प्रे होता है, एंड बिल्कुल भी हार्श नहीं पड़ता है. मतलब जैसे कुछ स्प्रे होते हैं ना एकदम आपके मुंह पे लगता है एंड आपको थोड़ी लगती है, ठीक है, बट इसके साथ नहीं होता. काफ़ी सॉफ्ट तरीके से आपके फेस पे आता है स्प्रे, एंड जैसा मुझे फील हो रहा है काफ़ी डूई सा लग रहा है ये मुझे सेटिंग स्प्रे. आप देख सकते हो थोड़ा मेरा बेस जो है डूई होने लग गया है, तो मैंने अपने बेस को जो है सेट कर लिया है. अब जो है अपने फेस को मैं कर लेती हूँ हाईलाइट सेम ही फेस पैलेट की मदद से. ग्लो देख रहे हो कितना नेचुरल लग रहा है, बिल्कुल भी चंकी नहीं लग रहा, काफ़ी नेचुरल लग रहा है. ओ माय गॉड, सी कितना प्यारा लग रहा है इसका ग्लो. सो मैंने अपने पूरे फेस को आप देख सकते हो हाईलाइट कर लिया, एंड कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही नेचुरल हाइलाइटर है. सी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ लगाया है, अंदर से ही ग्लो आ रहा है ऐसा लग रहा है. आप ना इस पैलेट को ट्राई करो, बहुत अच्छा पैलेट है, मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी. तीनों ही काफ़ी पिगमेंटेड है, तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करो. सो हमारा ऑलमोस्ट पूरा मेकअप हो ही गया है, अब बारी है लिपस्टिक की. सो ये दो लिपस्टिक मैं यूज़ करने वाली हूँ आज अपने लिप शेड के लिए. लिक्विड लिपस्टिक में शेड है ग्लो गेटर, एंड बुलेट लिपस्टिक में शेड है 120 कॉफ़ी डेट, ठीक है. तो ये दोनों शेड को मैं मिक्स करके अप्लाई करूंगी, एंड मैंने अभी तक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी ये लिपस्टिक, तो देखते हैं कैसी इसकी पिगमेंटेशन है. ओके, आपको एक ही बारी में काफ़ी पिगमेंटेशन दे देती है ये लिपस्टिक, आप देख सकते हो. तो ये शेड कितना प्रिटी लग रहा है आप देख सकते हो. आप चाहे तो सिर्फ ये वाला शेड भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं इतना डार्क शेड नहीं लगाऊंगी, तो उसके ऊपर मैं ये वाला ग्लो गेटर शेड लगाऊंगी. सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो कितना प्रिटी लग रहा है, एंड मेरा आई लुक कितना प्यारा लग रहा है. सो ये आई शैडो पैलेट तो मुझे बहुत पसंद आया है, एंड मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी कि इसे ट्राई करो, ठीक है. जो जो प्रोडक्ट मुझे पसंद आया मैंने आपको बताए हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, एंड आप मेरा लुक देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है. सो या गाइस ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इन साइड प्रोडक्ट्स के ऊपर. आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा. चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपसे ऐसी वीडियो मिस ना हो एंड आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाए. सो और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी है वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं लेके आऊँगी. सो आज का जो वीडियो है उसे यहीं पे एंड करते हैं, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय.